फ्रेंड्स, मैं रिना और आज हम लोग बात करने वाले हैं फेटल डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जब कोई भी महिला गर्भवती होती है उस दौरान जो उसे गर्भ में बच्चा पल रहा है, जब उसका 21 से लेकर 24 सप्ताह का समय चलता रहता है, तो उस दौरान जो बच्चा होता है उसमें कौन कौन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं। क्योंकि जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस दौरान हर महीने में 4 सप्ताह होते हैं और हर सप्ताह में हर महीने में बच्चे में कुछ ना कुछ नया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तभी 9 महीने 7 दिन के बाद एक पूर्ण रूप से विकसित बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6वें महीने की, हम बात कर रहे हैं 6 मंथ की, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हम 5 महीने तक का जो भी फीटल डेवलपमेंट होता है उसको क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि जब 6वां महीना महिला का स्टार्ट होता है तो 6वें महीने में जो 21वां सप्ताह होता है, 21वां सप्ताह जैसे ही शुरू होगा, मतलब कि 6वें महीने का पहला सप्ताह शुरू हो गया, उसके बाद 22वां सप्ताह, उसके बाद आता है 23वां सप्ताह और उसके बाद लास्ट आएगा 24वां सप्ताह। जब महिला 24 सप्ताह की अपनी गर्भावस्था पूरा कर लेगी, इसका मतलब कि उसका 6वां महीना पूरा हो गया, अब उसका 7वां महीना स्टार्ट होगा। तो 7वें महीने के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 6वें महीने की, कि 6वें महीने में बच्चे में कौन कौन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिल जाते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कब बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, कब बच्चा अपने हाथों को टर्न करने लगता है, कब बच्चा अपने सर को टर्न करने लगता है, कब बच्चे की जो स्किन होती है उसके ऊपर बहुत ही पतले महीन हेयर आने लगते हैं, जिनको हम रेनबो हेयर बोलते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही हम ये भी पढ़ चुके हैं कि बच्चा कब अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, कब वो किक मारना शुरू कर देता है, कितना वो कैपेबल होता है, या फिर बच्चा कब सुनने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो इन सब के बारे में हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि जब 6वां महीना का पहला सप्ताह शुरू होता है तो उस दौरान बच्चे में कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं। तो फर्स्ट इसमें लिम्ब मूवमेंट आर कोऑर्डिनेट एंड फ्रीक्वेंट, मतलब कि जो बच्चा है अब उसके जो लिम्ब्स होते हैं, मतलब कि अपर लिम्ब्स और लोअर लिम्ब्स, उसके जो हाथ है और पैर है वो सभी अब हिलने डुलने लगते हैं। फ्रीक्वेंट यहाँ पे दिया है, मतलब कि ये क्रिया वो बार बार करता है। अब बच्चा इतना मजबूत हो जाता है कि वो अपने हाथ और पैर को एक साथ हिला सकता है, इधर उधर मूव करा सकता है और ये क्रिया वो बार बार करता है, तभी माँ को ये महसूस होता है कि उसका जो बच्चा है वो हिल रहा है। नेक्स्ट इसमें होता है द फीटस हैज बोन मैरो दैट हेल्प्स इट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। अब बच्चे की जो बोन मैरो होती है वो इतना कैपेबल हो जाती है कि वो प्रोड्यूस करने लगती है क्या, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स बनने का जो काम होता है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। तो अब बच्चे की बोन मैरो इतनी मेच्योर हो जाती है कि वो ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने का काम करने लगती है। तो ये कब होता है, ये जब बच्चा 21 सप्ताह का होता है उस दौरान होता है। नेक्स्ट जब बच्चा 22 सप्ताह का होता है तो उस दौरान द फीटस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड इट कैन टच ईयर एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। अब जब बच्चे का 22वां सप्ताह शुरू हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि जब बच्चा 6.5 महीने का हो जाता है, तो उस दौरान उसकी जो पकड़ होती है इतनी मजबूत हो जाती है, या फिर बच्चा इतना मेच्योर हो जाता है कि वो अपने जो कान होते हैं, ये होता है, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, मतलब जो गर्भ नाल होती है, उनको टच कर सकता है। मतलब अब बच्चे के हाथ पैर पूरी तरह से हिलजुल रहे हैं, बच्चा खुद को मूव करा रहा है, अपने हाथ पैर को पूरी तरह से मूव करा रहा है और वो अब अपने कान को और अपने अम्बिलिकल कॉर्ड को टच कर सकता है, इतना मेच्योर हो जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड किसको कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब होता है कि जो नाभि नाल होती है, नाभि नाल के 2 पॉइंट्स होते हैं, तो एक जो पॉइंट होता है ये बच्चे से अटैच होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है ये प्लासेंटा से अटैच होता है। तो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नरिशमेंट ब्लड सप्लाई मिलती है, जो प्लासेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट इट कैन हियर योर हार्ट बीट। अब जो बच्चा होता है वो इतना भी मेच्योर हो जाता है कि वो अपने जो उसकी माँ होती है, जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसकी हार्ट बीट को बच्चा सुन सकता है। नेक्स्ट इसमें देखने को मिल जाता है इट कैन रिस्पॉन्स योर साउंड बाई मूविंग,
मतलब कि जो बच्चा होता है गर्भ में, जब वो 6.5 महीने का होता है, तो उस दौरान वो आपकी जो भी गतिविधियां होती हैं, बाहर का जो भी साउंड होता है, उसको वो सुन सकता है और साथ ही उसके प्रति वो रिस्पॉन्स भी करता है। किस तरह से? बाइक मूविंग, मतलब कि खुद को वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा के या फिर अपने हाथ पैर को हिला के किसी भी तरह का मूवमेंट करके अपनी बॉडी को मूव करा के वो इस बात का एहसास दिलाता है माँ को कि वो बाहर की बातों को सुन रहा है, उन चीजों को एहसास वो कर रहा है। महाभारत के युद्ध में जो अभिमन्यु थे जिन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ा था, उसके बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पे वो कहानी चरितार्थ हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो अभिमन्यु थे उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ने की जो विद्या थी वो अपने माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। इसका मतलब कि जब कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है और इस दौरान मतलब 6.5 महीने का रहता है, तो उस दौरान उसके जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और वो बाहर की चीजों को महसूस कर सकता है, सुन सकता है। तभी अभिमन्यु ने उस चीज को सीख लिया था गर्भ के अंदर ही, क्योंकि जब अर्जुन युद्ध से वापस आए और वो सुभद्रा जो उनकी पत्नी थी और अभिमन्यु की माँ थी, उनको चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या बता रहे थे। उस दौरान सुभद्रा जगी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे स्टेप कंप्लीट होते गए वैसे वैसे सुभद्रा को नींद आने लगी और जब लास्ट स्टेज चल रहा था उस दौरान सुभद्रा सो गई और इसी वजह से अभिमन्यु भी सो गया। तो जब अभिमन्यु सो गए तो फिर आगे की चीजें सुन कैसे पाएंगे? तो अभिमन्यु क्यों सोए? क्योंकि उनकी माँ सो गई। अब जो बच्चे का स्लीप वेक साइकिल होता है, मतलब सोने और जगने का जो एक साइकिल होता है, वो डिपेंड करता है माँ पे। माँ जिस तरह से सोती है, जैसे सोती है, जिस टाइम पे सोती है, बच्चा भी उसी तरह से सोता है और जगता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 6 घंटे की नींद रात में और कम से कम 2 घंटे की नींद दिन में लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बच्चा होगा उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो बच्चा होता है वो बाहर का जो भी साउंड होता है उसको सुन सकता है। तो जब माँ गर्भवती रहे तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके पास का आसपास का वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो कैसा हो, खुशनुमा हो, हैप्पी वाला हो, जिससे जो बच्चा होगा उसके दिमाग में भी वैसी ही चीजें आएंगी और वो वैसी ही पर्सनैलिटी का होगा। तो ये सारी चीजें कब होती हैं? 6.5 महीने पे या फिर 22 सप्ताह पे। इसके बाद जब बच्चे का 23वां सप्ताह शुरू होता है तब उसमें कौन कौन से डेवलपमेंट शुरू होते हैं? तो फर्स्ट है लंग सर्फेक्टेंट इज डेवलप्ड फॉर्म, मतलब कि जो बच्चा होता है अब उसके जो लंग होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनमें जो ये सर्फेक्टेंट कंपोनेंट होता है, सब्सटेंस होता है, अब ये बनना शुरू हो जाता है। जब बच्चा 23 सप्ताह का होता है उस दौरान ये मटेरियल, ये जो कंपोनेंट है या फिर जो सब्सटेंस है, वो बच्चे के जो लंग्स होते हैं, उसके फेफड़े होते हैं, उनमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो मुख्यतः 2 चीजों से बना होता है। किसी से एक तो होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन, दूसरा होता है प्रोटीन। इन दोनों से मिलके ये सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट। अब ये जो सर्फेक्टेंट होता है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, मतलब कि अगर किसी भी महिला की डिलीवरी 22 सप्ताह में ही हो जाती है, तो उस दौरान जो बच्चे के लंग्स होते हैं, उनके जो फेफड़े होते हैं, उसमें ये तत्व नहीं बना रहता है और इस वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके लंग्स चूंकि इनमेच्योर रहते हैं, वो फंक्शनल नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सर्फेक्टेंट का डेवलपमेंट हो रहा है वो 23वें सप्ताह में हो रहा है और इसका मेन काम क्या होता है कि जो बच्चे के लंग्स होते हैं, बच्चे के जो ये फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों में जो छोटी छोटी क्या होती हैं, एल्वियोलाई होती हैं, जहां पे ऑक्सीजन बच्चे के ब्लड में पहुंचती है, वहीं से बच्चे को ऑक्सीजन मिलती है और बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे होल बॉडी में पहुंचती है। तो जब बच्चा जन्म लेता है उस दौरान जो बच्चे के लंग्स होते हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सर्फेक्टेंट होता है ये बच्चे की एल्वियोलाई, जो उसके लंग्स में एल्वियोलाई होती है, उनको खोलने का काम करता है। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और वो क्राई करता है, चिल्लाता है, तो चिल्लाने की वजह से, उसके साउंड करने की वजह से क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होती हैं वो खुल जाती हैं और जैसे ही एल्वियोलाई खुलती हैं तो बच्चे के पूरे होल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ जो ऑक्सीजन होती है वो भी सर्कुलेट कर जाती है और फिर बच्चा सर्वाइव कर जाता है। तो ये जो सर्फेक्टेंट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। तो अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, बच्चा 22 सप्ताह पे जन्म ले लेता है, तो उन बच्चों को सर्वाइव करने में इसलिए दिक्कत होती है और उनको एनआईसीयू में रखा जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या देखने को मिलता है?
The fetus ear fully developed and functional. तो इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि बच्चे के कान इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इतना ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं कि वो बाहर की बातों को सुन सकता है, और यहाँ पे कह रहा है कि फुली डेवलप हो जाते हैं और फंक्शनल भी हो जाते हैं. नेक्स्ट यह है इट विल बिगिन रैपिडली एडिंग फैट इट्स बॉडी. मतलब कि अब जो बच्चे की स्किन होती है, उसकी जो त्वचा होती है, उसके नीचे अब बहुत अधिक मात्रा में और बहुत जल्दी जल्दी फैट डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस दौरान अब बच्चे के पास ज्यादा समय नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे छठवां महीने का एंडिंग वीक चल रहा है. तो उस दौरान अब बच्चे का हाइट और बच्चे की वेट बहुत ही तेजी से बढ़ती है, क्योंकि वहां पे फैट जो है वो बहुत ही तेजी से बच्चे की जो स्किन होती है, बच्चे का जो बॉडी होता है, वहां पे ऐड होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. अब लास्ट वीक बचता है छठवें सप्ताह का, तो उस दौरान क्या होता है. द फीटस लंग्स आर फुली डेवलप्ड but not will enough to work outside of uterus. उसके फेफड़े होते हैं वो फुली डेवलप तो हो जाते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा अभी मेच्योर नहीं होते हैं, इतने ज्यादा अभी काम करने में सक्षम नहीं होते हैं कि वो आउटसाइड योर यूट्रस, मतलब आपके गर्भाशय के बाहर आने के बाद अपना फंक्शन कर सके. कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी बच्चे का जन्म 24 सप्ताह में हो जाता है, तो उस दौरान उसके जो फेफड़े होते हैं वो विकसित तो हो जाते हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, इतने ज्यादा वो पर्याप्त मात्रा में डेवलप नहीं रहते हैं. क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब 23 सप्ताह होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो ये सर्फेक्टेंट है, कंपोनेंट है, ये अब बनना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी पूरी तरह से बना नहीं रहता है, इसीलिए जो बच्चे की एल्वुलाई होती है वो काम नहीं कर पाती है, और फिर बच्चे को एनआईसीयू में रखना पड़ता है. इसके अलावा द फीटस फील जर्की मूवमेंट्स. अगर कोई जर्की मूवमेंट्स होता है तो बच्चा उसको फील कर सकता है, वो इतना मेच्योर हो जाता है. नेक्स्ट, अगर हम बच्चे की वेट और हाइट की बात करें कि जब बच्चा 6 महीने का होता है, तो उस दौरान उसका जो वेट होता है वो कितना हो जाता है, तो ये लगभग 750 से लेकर 780 ग्राम का हो जाता है. और अगर हम इसके लेंथ की बात करें कि जो बच्चे की लंबाई है वो कितनी हो जाती है, तो लगभग 28-30 सेंटीमीटर की हो जाती है. तो जब बच्चा 6 महीने का होता है, तो उस दौरान उसका जो वजन होता है वो इतना हो जाता है, और बच्चे की जो लंबाई होती है वो इतनी हो जाती है. अब जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ती है, जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता है, वैसे वैसे बच्चे का वजन, बच्चे की हाइट बढ़ती जाती है, और साथ ही जो उसके बॉडी ऑर्गन है वो भी अपना काम करना शुरू करने लगते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा. तो जब किसी भी महिला की जो प्रेगनेंसी होती है, उसका छठवां महीना स्टार्ट रहता है, तो उस दौरान उसको अपना खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है, अभी पूरी तरह से वो विकसित नहीं हुआ है. और अगर इस दौरान माँ को किसी भी तरह कोई बीमारी हो जाती है, या फिर माँ का जो खान पान है वो कहीं अच्छे से नहीं होता है, तो उसकी वजह से जो बच्चा होता है, मे भी उसमें बहुत सारी कमजोरियां देखने को मिल सकती है, या फिर जो बच्चा होता है वो जन्मजात किसी विकृति के साथ पैदा हो सकता है. तो माँ को अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए जब उसका बच्चा 6 महीने का होता है, उस दौरान. वैसे तो पूरी गर्भावस्था में माँ को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, 0 से लेकर जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता, तब तक उसको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए. तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि जब गर्भावस्था का 7वां महीना स्टार्ट होता है, तो उस दौरान बच्चे में कौन कौन सी चीजें डेवलप होती हैं. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.